तो आप देखते हैं पहली जनता और ममता से ममता सिंह मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके काम को अगर देखा जाए, सारे सलाहे बड़ी मशहूरी की बात करें, पासिंग एरिया की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काफ़ी जोरों से नगरोटा की हम बात करें, नगरोटा से तो ये सब जो मेरा दायित्व है नारी शक्ति कश्मीर प्रांत की, जो ये एक किस्म का एक एनजीओ है, इसमें सिर्फ एम्पावरमेंट ऑफ उन्हीं के ऊपर हम कर सकते हैं। और जब से भारतीय स्त्री शक्ति का एक आयाम है ये जम्मू कश्मीर में, और ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या है कि हर फोकस जो है वो लेडीज़ पे, क्योंकि एक आधा जो हम कहेंगे कि आबादी का जो हिस्सा है उसको कैसे डेवलप, अभी तक हमें बहुत कम करने की जरूरत है, जिसमें कि गांव-गांव में हमने ये एक अलग से जगाया है कि जिसमें शालिनी जी भी हमारी यूथ फोरम की से काम कर रही हैं, और जैसे मेरे जिम्मे जो है वो ग्रामीण चेतना, ग्राम चेतना, इसमें हमारी जो रूरल लेडीज़ हैं उनको कैसे हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो उनकी स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनको कुछ रोज़गार मतलब उनको हम स्वरोज कैसे करें घर बैठे। मैम आप खुद फार फ्लंग एरिया से आते हैं, बनी बसोली से आते हैं, आपने गांव की लाइफ देखी हुई है, आपने सिटी की लाइफ देखी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वुमन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन मैं भी ऐसे घर से आता हूँ जहाँ पर दुर्गा स्तुति पढ़ाई जाती है, मैं जब भी इस किताब को पढ़ता हूँ मुझे लगता है वुमन नारी शक्ति तो हमसे सर्वोपरि है, हमसे ज़्यादा स्पेशलाइज है, हमसे ज़्यादा पावर उसके पास है। आपको नहीं लगता है कि हम भी अंग्रेजों की तरह स्पेसिफिकेशन करके उनके हाथों और पाँव में बंधन की बेड़ियाँ डाल रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट करके, जबकि औरत को देखा गया हर महीने में पुरुष से आज के टाइम में और पुराने टाइम में देखा गया था आगे, तो आपको क्यों लगता है ये इस तरह की सोच लोगों में क्यों आ रही है? इसमें क्या है कि लेडीज़ को हम अवेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है, पर अक्सर क्या होता है कि वो परिवार के उसमें पालन पोषण में वो सब संस्कार साथ साथ में दे रही है, पर वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को पालने में जो चाहे वो सिटी में रहती है चाहे वो गांव में रहती है वो स्ट्रगल कर रही है, उसको हमने कि उसके अंदर क्या उसके मन में भाव आता है कि मैं अपने परिवार को उसका फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो परिवार है, उसके बाद वो अपने बारे में भी सोचती है, अगर वो खुद अवेयर हो गई तो उसका परिवार उसका समाज होगा। आपने अवेयरनेस की बात की, लेकिन हम जब जाते हैं किसी भी पावरफुल एरिया में हम कहीं ना कहीं पाते हैं कि नारी शक्ति को रोकने वाली भी नारी शक्ति है, पुरुष तो साथ देने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते सास, एक बार हम भी ट्रैकिंग पर गए थे, वहाँ पर सास ऐसी है कि अपनी सासों के लिए भी ताने मारती, बहुओं के लिए भी ताने मारती, बहुओं को बेटियाँ नहीं समझा जाता, बेटियों को बहुआ नहीं समझा जाता, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सोच बदलने की भी ज़रूरत है? जो हम कहेंगे ना कि हम जितना भी पढ़े लिखे हो जाएंगे उसके बावजूद भी ये छोटी मोटी बातें जो हैं इसमें बहुत, क्योंकि हमारे घर में भी बेटी है, बहू है, तो हम उसको भी वैसे ही प्यार देते हैं। चारू मैम हो गई और भी हैं आपके वहाँ से फार्फ्लंग से जितने भी हैं, तो उसमें क्या है कि ये वही कह रही हूँ कि लेडी जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, उसमें हम चाहे वो कितने भी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगी और चाहे राष्ट्रपति भी हमारी लेडी रह चुकी है, पर फिर भी हम जो धरती के साथ जुड़ी है पूरा अंतिम शोर पे जो लेडी खड़ी है उसमें अभी भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम सब कुछ ही हमने ही करना है, पर मैं मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि हम चाहे कितने भी झंडे गाड़ लेंगे, कितने भी अभी वो गवर्नमेंट की स्कीम्स उनके तक नहीं पहुंची है। मैं आपको ये कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फेलियर नहीं मैं कहूँगी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल है तो वहाँ पर थोड़ा सा काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, कहीं ना कहीं आपकी सियासत चले घर से आते घर से सियासत आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं हाथी से उठाकर घरे पे बिठा दिया गया, क्योंकि यूटी
होना कहीं ना कहीं रोक देता है ताकतें, जिस डिपार्टमेंट को जिस तरह से मिलता है वो उस तरह से यूज़ करता है। यूनिवर्सिटी की बात कर लो, यूनिवर्सिटी में आते ये बताऊँगी कि कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ये यूनिटी ना बनती तो आपको लगता कि 370 जाती है, इसलिए 370 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारी महिलाओं को हुआ। 35A का जो नुकसान था वो हमारी आने वाली जनरेशन में नहीं हो, इसलिए मैं इतना ही कहूँ इलेक्शन में कि हमारी जो औरतें हैं वो बहुत ही नारी में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है, फिर भी जहाँ वो पीछे रही चुकी है वो हम उसको आगे ले जाए। और अब शालिनी मैम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ काम, आप हमेशा आगे बोल के और इस पर बढ़कर बोला, आपने बोला आपको पहाड़ियों की तरह खींचते हैं, लेकिन ये प्यार ही है जो आपको खींच के लाता है इस मंच की तरह। तो आगे आने वाले टाइम में आप इस तरह के और काम करेंगे, और आपकी क्या आप कहीं एनिमेशन की बात कर रहे थे वो क्या बात है? देखिए हमें ज़रूरत है आज के देश के आज के युग में हमारे जो छोटे छोटे दायरे हैं उन्हें तोड़कर हमें एक होना होगा, तभी हम पूरे एज ए देश एज अ कंट्री आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रही थी। और जहाँ तक नारियों की बात है तो हम जानते हैं ममता सिंह जी बहुत इस बारे में कार्य कर रही हैं, खासकर ग्रामीणों के बारे में, और बाकी हमारे जो इतिहास में हमारे सुपर हीरोज रहे हैं उन्हें भी याद करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आज की जनरेशन उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सके। और ऑब्वियसली क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हम जितनी जल्दी कैच करेंगे इसके लिए उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ट्रेडिशनल मोड से हटकर अगर हम मॉडर्नाइज मोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी। तो आपने देखा कि शालिनी राणा मैम ने किस तरह कहा कि मिया डीडो के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, और आने वाले टाइम पे इनकी पूरी जरूर आप कहते हैं ये जोर लगाएंगे कि इसका एनिमेशन बने। हम भी दरख्वास्त करते हैं कि जो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है वो आए और बढ़कर इनके साथ साथ दे और इसके साथ शामिल हो, इस मुहिम में शामिल हो। आपने देखा शालिनी राणा मैम ने किस तरह कहा। मैं शुभम कोतवाल, मेरे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह। सर आपने अभी कहा कि माँ को माँ की जगह और दादी को दादी की जगह रखना चाहिए, हिंदी की बात करें हिंदी अपनी जगह डोगरी अपनी जगह है। मियाँ डीडो उपन्यास को आते आते काफ़ी देर हो गई, आप खुद एक हिस्टोरियन हैं, आपके लिए ये जो पल है ये किस तरह से, आप सिर्फ हमें इतना सा बता दीजिए। देखिए आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज ये मुझे मौका मिला कि मैं इस कार्यक्रम में रहा। डीडो डोगरा जो मियाँ डीडो की जीवनी के ऊपर उपन्यास है जिसको मोहन सिंह जी ने लिखा है, वो बहुत ही अनुभवी जो लेखक हैं और उन्होंने बड़े तरीके से हिस्टोरिकल जो उनके एविडेंसेज हैं जो तथ्य हैं इतिहास के उसको भी रखा है और भावनाओं को भी मद्देनज़र रखते हुए उस समय के वातावरण को देखते हुए ये उपन्यास लिखा है। और मैं आपके इस माध्यम से मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँ इसको ज़रूर पढ़ें। कल मैं महाराजा गुलाब सिंह के जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसमें मैं था, तो दोनों का इतिहास रहा है लेकिन दोनों का अपनी जगह पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। बेशक एक समय था कि वो आमने सामने रहे हैं लेकिन महाराजा गुलाब सिंह का जो स्टेट्समैनशिप दूरदर्शी के जो किया, और सर एज ए हिस्टोरियन आपने बताया कि देयर इज ऑलवेज टू फोर्सेस क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, सत्य असत्य हर चीज़ के साथ तथ्यों के साथ हमें देखना चाहिए उतना हम समझते हैं। अभी जो यहाँ पे देखा हमने हर बच्चे के मुख से एक बात सुनी कि इसके ऊपर मूवी भी बननी चाहिए एनिमेशन भी बननी चाहिए। सर आपके भी काफ़ी लिंक्स हैं, आप किस तरह से, क्योंकि ममता सिंह मैम खुद नगरोटा जाते स्किल्स की बात करें बनी बसोली के लिए काम करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जो मूवी बना सकते हैं मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, जो लोग बना सकते हैं उनसे मैं जरूर कहूँगा कि बहुत बड़ा एक, क्योंकि इस प्रकार की मूवीज बनेंगी उपन्यास लिखे जाएंगे ड्रामा होंगे तो लोगों में उनकी जो उनकी जीवनी जाएगी तो लोग उनसे प्रेरणा लेंगे, इसलिए बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अभी देखो कश्मीर फाइल्स आए किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इसी तरीके से जम्मू की जो कुर्बानी है कश्मीर फाइल्स का, लेकिन एक बात है ना कि कश्मीर फाइल्स में सिर्फ एक कश्मीरी पंडित, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप बनी बसोली में भी हुआ है, अर्शल डोडा की बात करें वहाँ भी, वही तो कहने वाला था उन्होंने मुझे काट दिया। देखिए ये तो एक सत्य आया है बड़ा महत्वपूर्ण सत्य है, लेकिन जो डोडा में बरशाला कुल्हांड चेरजी जिसमें गले रहते गए बरशाला में लाइन में लगा के लोगों को मारा गया, वहाँ के वहाँ गुरबरात को मारा गया था और बच्चों के जो है कलेजे का निकाल कर उनके जो है ठोंसे गए, ये सारी बात जम्मू में हुई है। लेकिन क्योंकि कश्मीर एक एथनिक क्लिनजिंग और जेनोसाइड का कहानी थी वो एक पर्टिकुलर कहानी में रही है, इस प्रकार से यहाँ भी बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है। तो पहला जो आया है ये सत्य है
पूरा सत्य है, लेकिन वो उसका सत्य का सिर्फ कहना चाहिए 25% ही जो है सामने आया है, 75% तो और पड़ा है यहाँ की कुर्बानियों का, इसलिए वो भी बननी चाहिए। और भैया डेडो जैसे उन पर भी जो है पिक्चर बने, लोग ड्रामा करें, इस पर होनी चाहिए। और मुझे लगता है इस प्रकार के उपन्यास के आने के बाद इस प्रकार की जरूर बात होगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ निर्मल सिंह जी थे जिन्होंने क्लियरली बता दिया कि क्या वो सोचते हैं इस बारे में, और डीडो की जो कहानी है उसको फिल्म के तौर पे भी उतारना चाहिए। आप जनता क्या सोचती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।